नमस्कार, मैं संजय मोरे आपका डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल में अडोर ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दीक्षित सर के जो भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, उन सभी वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में दर्शक काफी प्रश्न पूछते हैं, तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम डॉक्टर दीक्षित सर से लेंगे। मैं अभी डॉक्टर दीक्षित सर को भी आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार दीक्षित सर, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सभी फॉलोअर्स और जिन्होंने सवाल पूछे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और संजय, अब हम सभी का जिन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज पूजा पाटिल यांनी पुढचा प्रश्न विचारला आहे। नमस्कार सर, डायबिटीजच्या औषधाने थकवा येतो का? डायबिटीज की मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन, एक्चुअली उससे थकान तो आ ही सकती है। और खास करके डायबिटीज की मेडिसिन से क्या होता है, क्योंकि पहले तो आपकी शुगर बढ़ी है, उसको कम करेगी। और हर मेडिसिन का हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया होती है, क्योंकि मेडिसिन कोई नॉर्मल चीज नहीं शरीर के लिए। तो मेडिसिन जब लेते हैं तो कोई तो अलग अलग रिएक्शंस होगी, और इससे थकान आना क्वाइट कॉमन है, वो हो सकता है। तो लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आपने वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट देख लिए तो उससे पता चलता है कि ये इस मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो शायद जो आपको डॉक्टर जिसने ये मेडिसिन दिया है, कोई भी मेडिसिन, वो सही व्यक्ति है आपको बताने के लिए कि जो थकान आपको आ रही है, जो भी तकलीफ हो रही है, उसके लिए वो मेडिसिन जिम्मेदार है या नहीं है। चंद्र कुमार रतलानी, इन्होंने पूछा है, आदरणीय डॉक्टर दीक्षित जी सादर प्रणाम। मैं पिछले 2.5 साल से डाइट का पालन कर रहा हूँ। टाइप 2 मधुमेह ग्रस्त हूँ, लेकिन व्यायाम और पैदल घूमना न के बराबर है। कोविड के बाद मुझे प्रोस्टेट की तकलीफ है, होम्योपैथी की औषधि ले रहा हूँ। इनका सवाल है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो क्या वो डाइट से उनको कुछ लाभ हो सकता है? चंद्र कुमार जी का जो सवाल है, वो कहते हैं कि 2.5 साल से मैं लाइफ स्टाइल कर रहा हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, प्रोस्टेट का भी उनको तकलीफ है, लेकिन चलना और पैदल घूमना ना के बराबर है। अब देखिए कि लाइफस्टाइल में दो बातें, एक है दो बार खाना, मीठा बंद, फल बंद, और जो सीक्वेंस से खाने को बोला है वो खाने का, और बीच में जो पदार्थ खाने के लिए परमिशन है वही खाने का, जैसे कि पानी है, पतली छाछ है, ग्रीन टी या ब्लैक टी विदाउट एनी फ्लेवर, इससे ज्यादा कुछ लेने की परमिशन नहीं है डायबिटीज मरीज के लिए। अगर आप 100% कोई चीज फॉलो नहीं करेंगे तो इसका 100% रिजल्ट की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो 2.5 साल अगर कोई व्यक्ति करता है और फिर भी वो उसको मेडिसिन खाना पड़ता है, तो मुझे मालूम है कि ये डाइट प्लान ठीक तरह से नहीं कर रहे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति 2-2.5 साल से करेगा और उसको फायदा नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद जो व्हाट्सएप नंबर है उसको आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए और प्रॉपर गाइडेंस लेके ये लाइफस्टाइल कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आपके सभी मेडिसिन बंद हो जाए और आप तंदुरुस्त हो। @user इस ईमेल से एक सवाल आया है, कैन आई ईट ए सिंगल फ्रूट बिटवीन 2 मील्स? तो वैसे तो अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आप 1-2 फल दिन में खा ही सकते हो, लेकिन वो खाने में खाइए, 55 मिनट का समय है, उसमें शुरुआत फल से कीजिए, बाद में मत खाइए। आप दिन में 1-2 फल खा सकते हो अगर आप नॉन डायबिटिक हो। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपको तो खाने में भी फल खाने की अनुमति नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को 2 खानों के बीच में कोई भी फल खाने की अनुमति इस लाइफस्टाइल में नहीं है। प्रणीता संखे, इन्होंने पूछा है, अगर खाने का टाइम निश्चित फिक्स नहीं है तो क्या होगा, मैं ये डाइट कर सकती हूँ क्या? बहुत लोगों का सवाल होता है, जैसे प्रणीता ने पूछा है कि हमारे खाने का टाइम फिक्स नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने बार बार कहा है कि इस लाइफस्टाइल में टाइम फॉलो करने से 2 बार खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर हम क्यों बोलते हैं कि खाने का टाइम फिक्स रखो? इसका कारण यह है कि बहुत सारे लोगों को खाने का समय बदलने से एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी से हेडेक, वोमिटिंग, काफी सारी तकलीफ होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको खाने का टाइम बदलने से यह तकलीफ नहीं होती, तो उसने खाने का टाइम बदला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 बार खाना समय जो है उसको पालन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमिता जी ने पूछा है, इज कैरेट जूस, बीटरूट जूस
गुड फॉर डायबिटीज? अभिता ने पूछा है कि डायबिटिक वाले लोगों को कैरेट का जूस और बीट का जूस अच्छा होता है क्या। तो वैसे तो आपको कहूंगा, एक जनरल बात सभी के लिए कहता हूं कि किसी भी चीज का जूस लेने से अच्छा है कि वो चीज आप वैसी खाओ जैसी वो नेचर में है, क्योंकि उसका पूरा फायदा आपको आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कोई एप्पल है, आप कितने एप्पल खा सकते हो? एक दो खाओगे। लेकिन अगर आपको एप्पल का जूस मैंने दिया तो हो सकता है कि 6 एप्पल का जूस भी आप 10 मिनट में पी जाओगे। तो इसलिए मेरी सलाह है कि जूस से अच्छा है कि वो ओरिजिनल पदार्थ जो है वैसा आप खाइए। लेकिन डायबिटीज वालों के लिए गाजर और बीट दोनों पदार्थ इस लाइफस्टाइल में अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे शुगर बढ़ता है और वो पदार्थ ही अलाउड नहीं है, तो उसका जूस लेने का कोई सवाल उठता नहीं। तो संजय जी, अच्छा है कि लोगों ने काफी सवाल पूछे और हमने भी जवाब देने की कोशिश की। सभी को विनती करूंगा कि जो भी आपको दिल में सवाल है जरूर पूछिए, और मेरा काम है इस लाइफस्टाइल के बारे में जो भी डाउट आपके दिल में है उसको निकालना मेरा काम है, और आप जरूर सवाल पूछिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जरूर देते रहेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। विनती करूंगा कि ये साइंटिफिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।